नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। और जैसा कि आप लोग कर रहे हैं सुपर रेट यानी कि लिखित परीक्षा की तैयारी, और आप जानते हैं कि आपके उस सिलेबस में है जीवन कौशल का सब्जेक्ट। तो जीवन कौशल से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस आज की सीरीज़ में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का अपना डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है आपका, इंग्लैंड की किस शिक्षा दार्शनिक ने वैयक्तिकता को जीवन का आदर्श बताया है? तो इसका आंसर होगा T.P. Nunn। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में सामाजिक दक्षता का उद्देश्य किसने दिया है? तो वो दिया है जॉन डीवी ने। नेक्स्ट, राष्ट्रीय चेतना का विकास किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रीय चेतना का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। प्रबंधन को जीवन रक्त किसने कहा है? ड्रकर ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, शिक्षक का व्यवहार छात्रों के प्रति कैसा होना चाहिए? सहानुभूतिपूर्ण। अभिवृत्ति का सामान्य अर्थ क्या है? तो अभिवृत्ति का सामान्य अर्थ है सोचने की क्षमता। बालक का समाजीकरण सबसे पहले कौन करता है? तो कॉमन क्वेश्चन है, परिवार जो है वो बालक का समाजीकरण करता है, क्योंकि हम जानते हैं परिवार हमारी प्रथम पाठशाला और माँ हमारी प्रथम शिक्षिका होती है। राज्य की सर्वोच्च सत्ता को क्या कहा जाता है? प्रभु सत्ता। विद्यालय किस प्रकार का वातावरण का निर्माण करता है? तो विद्यालय क्या होता है? एक विशिष्ट वातावरण का निर्माण करता है, जिसे हम औपचारिक वातावरण भी कहते हैं। जबकि जो परिवार हमारा होता है वहाँ का वातावरण अनौपचारिक वातावरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र के आधार पर स्थानीय संस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो दो प्रकार की होती हैं। आदर्श नागरिकता सिद्धांत किस प्रणाली से संबंधित है? तो वो है आपकी जो बेसिक शिक्षा प्रणाली है, बेसिक एजुकेशन, उससे रिलेटेड है। बेसिक शिक्षा बच्चों को चाहे वे नगरों के हों या ग्रामीण क्षेत्रों के हों, ग्रामों के हों, भारत की समस्त सर्वोत्तम और स्थायी बातों से संबंधित करती है, ये कथन किसका है? तो ये है महात्मा गांधी जी का। बेसिक शिक्षा में किस समस्या पर विशेष ध्यान दिया गया है? तो वो है जीविकोपार्जन की समस्या पर विशेष ध्यान दिया गया है। बेसिक शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा निर्माण के लिए जो समिति गठित की गई उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। गांधी जी ने शिक्षा के किस विषय को महत्व दिया है? तो सबसे ज्यादा उन्होंने हस्तशिल्प की शिक्षा को महत्व दिया है। देश एवं समाज के हित के लिए किस प्रकार के व्यक्तियों को शिक्षित करना आवश्यक है? तो प्रौढ़ व्यक्तियों को शिक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। अखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? 1940। संवेगों को जानने का सर्वोत्तम ढंग या उपाय क्या है? तो वो है मुखाभिव्यक्ति, यानी कि मुख से अभिव्यक्त जब हम करते हैं तो संवेगों को हम सर्वोत्तम ढंग से जान सकते हैं। आपके मन में क्या है ये कोई सामने वाला नहीं जान सकता है। आप क्रोधित हैं लेकिन आप मन में उसको रखे हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपकी इस संवेग को, यानी क्रोध का जो संवेग है, उसको समझ जाए। या आप प्रसन्न हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपकी प्रसन्नता को समझ जाए, लेकिन जब आपकी मुखाभिव्यक्ति होती है, जब आप क्रोध में हैं, आप मुख से कुछ बोल देंगे, तुरंत सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप क्रोध के संवेग में हैं। आप खुश हैं, हर्ष में हैं, तो आप अगर आप अपनी खुशी को व्यक्त करेंगे तब भी सामने वाला तुरंत समझ जाएगा, ठीक है। तो मुख की जो अभिव्यक्ति है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए, आपका कहना, आपके चीज़ों को करना, ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत सबसे अच्छा ढंग आपका यही है। मैकडूगल ने कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं? 14। सहानुभूति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। सहानुभूति दूसरों की संवेदना और संवेगों को केवल देख लेने, अनुभव करने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ये किसने कहा है? ये है ड्रवर का कथन। प्रेरणा को दो वर्गों में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने, नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये साइकोलॉजी का भी क्वेश्चन है, जीवन कौशल में भी पूछा जाता है, प्लस ये साइकोलॉजी में जब आपका मोटिवेशन जो चैप्टर है, जिन बच्चों ने मेरे नोट्स लिए होंगे उसमें भी ये डेफिनेशन उनको मिली होगी, आपने देखा होगा मोटिवेशन चैप्टर में ये नोट में दिया हुआ है। प्रेरणा छात्रों में किस भावना को उत्पन्न करती है? अनुशासन की भावना को उत्पन्न करती है। जब हम किसी से मोटिवेट होते हैं तो हम खुद डिसिप्लिन में चलने लगते हैं। व्यक्ति के समस्त व्यवहार के पीछे निहित कारक को क्या कहते हैं? प्रेरणा। कोई एक जन्मजात प्रेरक भूख,
ये जन्मजात प्रेरक है, जन्म से ही जब बच्चा पैदा होता है तब उसे भूख लगती है ना, तो ये जन्मजात प्रेरक हुआ। जब एक नई आदत दृढ़ ना हो जाए उसकी अपवाद ना आने दो, ये कथन किसका है? तो ये है जेम्स का। जब कोई अक्षय कार्य बार बार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आदत कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति द्वारा किया गया वह व्यवहार जिसे व्यक्ति बार बार दोहराता है वो उसकी आदत कहलाती है और ये अक्षय होता है। ठीक है, हॉरन और मैन के अनुसार दंड का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य क्या होता है? बुराई को रोकना। हम किसी भी बच्चे को दंड क्यों देते हैं? ताकि उसने जो गलती की है, उसने जो बुराई की है, वो उसको ना दोहराए, वो समझ जाए कि उसने जो किया है वो गलत है। अध्यापक द्वारा किसी छात्र की जब प्रशंसा की जाती है, ठीक है, किसी छात्र की प्रशंसा को हम क्या कहते हैं, क्या मानते हैं? तो जब कोई भी अध्यापक किसी छात्र की प्रशंसा करता है तो उसको एज अ रिवॉर्ड लिया जाता है, यानी कि उसको एक तरीके से जैसे पुरस्कार दिया गया हो। पुरस्कार वांछित कार्य के साथ सुगत आश्चर्य स्थापित करने का साधन है, ये किसका कथन है? तो ये कथन है हरलॉक का। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति किन परिस्थितियों में समायोजित हो जाता है? नवीन परिस्थितियों में। जो मेंटली जो है एकदम फ्रेश होता है, एकदम फिट होता है, वो कैसी भी सिचुएशन आ जाए झट से उस सिचुएशन में क्या होता है, ढल जाता है, उस सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। विद्यालय के संदर्भ में दंड कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है, पहला शारीरिक और दूसरा आर्थिक। अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया है? तो वो दिया है सिगमंड फ्राइड ने। काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे होते हैं, देखिए जीवन कौशल आपका साइकोलॉजी इसमें इंक्लूड होती है, क्योंकि हमारे जीवन में हमारी साइकोलॉजी इंक्लूड होती है, जैसे ही हमारी साइकोलॉजी होती है वैसे ही हम काम करते हैं। तो जीवन कौशल में आपको काफ़ी क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो कि आपके साइकोलॉजी में होते हैं। अभिप्रेरणा के कितने घटक हैं? चार घटक हैं। अभिवृत्ति के कितने घटक हैं? तो अभिवृत्ति के आपके तीन घटक हैं। परामर्श प्रदान करने की कितनी विधियां हैं? दो विधियां हैं। अवांछनीय व्यवहार को दूर करने का साधन क्या है? दंड। यदि हम दंड देते हैं तो अवांछनीय व्यवहार जो है वो दूर किया जा सकता है। मानव जीवन का आधार क्या है? व्यवसाय। ठीक, प्रधानाचार्य द्वारा दी गई किसी बालक की सार्वजनिक प्रशंसा को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो अभी प्रशंसा की बात हुई थी, मैंने बताया था कि किसी की भी प्रशंसा करना आप उसको सिर्फ विद्यालय प्रवेश में ना लेके, अगर आप उसको आप अपने दैनिक जीवन में भी लेते हैं तब भी आप जानते हैं कि हम किसी की तारीफ़ करते हैं, किसी की बड़ाई करते हैं तो वो क्या खुश होता है, तो वो एक तरीके से क्या हुआ कि हमने उसको पुरस्कृत किया। इसी जगह अगर हम किसी की बुराई करते हैं तो वो किसमें? दंड में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? अर्बन का। अगला क्वेश्चन आपका आता है, धर्म निरपेक्ष का मूल अर्थ क्या है? ठीक, धर्म निरपेक्ष यानी कि धर्म से जो स्वतंत्र हो, ठीक, यानी कि जिसमें धर्म का भेदभाव किसी तरीके से ना किया गया हो। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा धर्म को लेके, जाति को लेके काफ़ी चीज़ें फैली हुई हैं हमारे समाज में, तो इस समय ज़रूरत है हमें किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से अपनी सोच को ऊपर उठाने की, इन सब चीज़ों से स्वतंत्र होने की। सभी शिक्षाओं का उद्देश्य मानव निर्माण है। मानव शब्द मानवीय गुणों का द्योतक है, यह कथन किसका है? यह कथन है स्वामी विवेकानंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, कारखानों आदि में बच्चों को नौकर रखने पर किस अनुच्छेद के अनुसार रोक लगाई गई है? तो वो है अनुच्छेद 24 के अनुसार। जैसा कि हम देखते हैं जो बालकों को लगा दिया जाता है काम में, है ना, तो वो चीज़ वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनको कारखानों आदि में लगा दिया, तो वो एक तरीके से क्या है आपका? दंडनीय अपराध है, है ना। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता हुआ पाया जाता है तो उसको सज़ा दी जाती है, ये हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ 25 अगस्त 2005 को। अभिवृत्ति का सर्वप्रथम जो मापन है वो किसने किया? वो किया थर्स्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्स्टन ने अभिवृत्ति का मापन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया? तो वो किया युग तुलनात्मक विधि का। दंड का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो दंड का प्रमुख सिद्धांत है प्रतीकार्थक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है आपका, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य संबंध और अच्छी भावना क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। ठीक है, अगर हम राष्ट्र के अंदर बात करते हैं, यानी कि राज्यों के बीच की बात करते हैं, कि अगर एक कोई देश है उसमें राज्य हैं, तो अगर हम भारत देश को लें और उसके राज्यों को लें, तो उनके
राज्यों के बीच में अगर संबंध अच्छे हैं, अच्छी भावना है, अच्छी कह लीजिए एक तरीके से फ्रेंडशिप है, तो उसको हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय सद्भावना। लेकिन यही जब विभिन्न राष्ट्रों के मध्य, विभिन्न देशों के मध्य हो जाती है, तो हम उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। और आज की सीरीज़ का आपका लास्ट क्वेश्चन है, नेशनलिज्म एंड गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये है जी मॉडर्ना। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के आपके 50 क्वेश्चंस की सीरीज़। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर साबित होंगे। और किसी भी तरीके की अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कोई नया वीडियो चाहते हो किसी टॉपिक से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई अगर वीडियो चाहिए हो, एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए हो, तो उसको आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियोस आगे तैयार कर सकूं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।